Drop it. So hello guys, how are you all doing? और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ the best app जिसमें आप free हर तरह की movies and TV shows देख सकते हैं। तो ये app है हमारा TTV का। इसमें आपको हर तरह की movies और TV shows अगर वो internet में available हैं, तो हर तरह के आपको किसी भी genre के किसी भी time period के आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं Netflix shows हो गया, Amazon shows हो गया, हर तरह के shows आपको देखने को मिलेंगे, HBO shows हो गया, ठीक है? हर तरह के आपको shows देखने को मिलेंगे। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो लिंक्स हैं वो डायरेक्ट जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं हर तरह के लिंक्स आ जाती हैं। जैसे टेरेरियम ऐप था, तो ये टेरेरियम ऐप का भी बेस्ट अल्टरनेटिव ऐप है और बल्कि उससे थोड़ा इम्प्रूव वर्जन भी है। तो अगर हम बात करें तो इसमें हॉलीवुड मूवी के साथ साथ बॉलीवुड मूवीज़ की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म में आ जाती है मूवी, दैट मीन्स कि वो इंटरनेट पर अवेलेबल है और वो यहाँ पर ज़रूर होगी। तो देखिए, अगर हम चेक करें तो लेट्स से हम जीरो मूवी देखें, तो जीरो मूवी भी यहाँ पर जीरो मूवी भी पूरी तरह से अवेलेबल है। बस आपका इंटरनेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और अब देखिए, आपको हर तरह के लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने भी लिंक्स अवेलेबल होंगे वो सारे लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए, जितने भी लिंक्स आपको होंगे हर तरह के प्रोवाइड हो जाएंगे। देखिए, HD प्योर HD आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 1080। सो देखिए गाइज, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट हो चुकी है मूवीज़। आपका जितना अच्छा इंटरनेट होगा, देखिए जैसे मेरा अभी सही इंटरनेट चल रहा है, आपको HD प्योर HD में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो मूवी है वो जीरो नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। तो आपको देखिए फुल HD मिलेगी और प्योर ये HD है और आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी इसमें मिलेगी। तो ये आप समझ गए कि आप हॉलीवुड के साथ साथ कोई भी बॉलीवुड मूवीज़ को भी लुफ्त उठा सकते हैं उसका, इस ऐप की वजह से। अब बात करते हैं कि इस ऐप का इंटरफेस कैसा है। ऐड इसमें आएगा बट आपको कभी वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। देखिए, नीचे हमेशा ऐड रहेगा बट वो कभी पॉपअप होके मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आएगा वो। हाँ, अभी आया था ज़रूर, मैं झूठ नहीं कहूँगा आपसे, बट जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा। द बेस्ट ऐप, मैं अभी यूट्यूबर बनाऊँ, ये मेरी आई गेस इस चैनल पे स्टार्टिंग की ही वीडियोज़ में से एक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर जगह ढूंढता हूँ। और टेरेरियम ऐप जो था, TerrariumTV, वो बेस्ट ऐप था, बट अभी वो किसी रीज़न से 2018 में उसे बंद कर दिया गया था। तो उसका बेस्ट अल्टरनेटिव ऐप है ये, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छा ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा फ्री मूवी स्ट्रीमिंग के लिए, मूवी एंड टीवी शोज़ की स्ट्रीमिंग के लिए। चलिए देखते हैं, जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है, जिसमें आप जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। आप जब यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले डिस्कवर का ऑप्शन, तो वो यही है, डिस्कवर का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सेट किया है और पहले से भी डिस्कवर का ऑप्शन ही सेट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम वापस जाएं तो अगर आप मूवीज़ आपको जाना है तो आपको हर तरह की मूवीज़ मिल जाएंगी, ठीक है, हर तरह की मूवीज़ का आप लुफ्त उठा सकते हैं। आप ऊपर फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपको किस तरह की मूवीज़ चाहिए, टॉप रेटेड चाहिए, पॉपुलर चाहिए। अपकमिंग मूवीज़ भी इसमें मिल जाएंगी, जितनी भी अपकमिंग मूवीज़ हैं, ठीक है, वो भी इसमें आपको शो हो चुकी हैं, जितनी भी अपकमिंग मूवीज़ हैं, ठीक है। अलादीन रिलीज़ हो गई है, पोकेमोन डिटेक्टिव भी, हसल भी रिलीज़ हो चुकी है, बाकी ये नीचे शायद रिलीज़ नहीं हुई है, रॉकेटमैन रिलीज़ नहीं हुई है। ओके, सो अगर बाकी देखें, नाउ प्लेइंग में जो अभी चल रही हैं मूवीज़, ठीक है, एवेंजर्स एंडगेम हो गया, अलादीन हो गया, ये तो हुई इसकी बात, ठीक है। अगर हम अब जाएंगे टीवी शोज़ में, आप टीवी शोज़ में भी देख सकते हैं, ठीक है, हर तरह के टीवी शोज़, द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ थ्रोन्स जो हाल ही में ख़त्म हुआ है, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा बट आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत अच्छी सीरीज़ थी। ओके, तो देखिए, आपको हर तरह के शोज़ मिलेंगे यहाँ पे, लिटरली हर तरह के। मैं बता नहीं सकता कि इनके डेवलपर ने कैसे ये ऐप डेवलप करा है, बट बेस्ट ऐप है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखें तो आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है, आपको किस कौन से साल का देखना है, 2000 का अगर आपको देखना है तो आपको हर तरह के मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी शोज़ होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिग ब्रदर बहुत फेमस शो था, ठीक है, तो आप हर तरह के शोज़ देख सकते हैं, CSI देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप और देखें तो HD रिलीज़, जितने भी HD में रिलीज़ हुई होंगी मूवीज़ या TV शोज़, वो आपको HD में यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए, 1991 तक का यहाँ पर, मतलब आपको मैं अगर बताऊं तो इसमें आई गेस इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ अवेलेबल होंगी ना, चाहे वो 1950s का भी क्यों ना हो, यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं जितनी भी HD रिलीजेज़ हैं, 2018 की होगी, 2019 की हैं, ये सारी इसमें अवेलेबल हैं। देखिए, नेवर ग्रो ओल्ड जो 2019 की लेटेस्ट मूवी है, वो भी इसमें आ चुकी है। ओके,
और अगर हम आगे देखें तो आपको यहाँ कैलेंडर मिल जाता है जिससे आप सेट कर सकते हैं आपको कौन से ईयर की देखनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें कितना जल्दी अपडेट होता है, एग्जैक्टली एट 12 AM, ठीक है, ये अपडेट होता है। तो देखिए जितने भी नए एपिसोड्स, जितनी भी मूवीज़ होती हैं वो यहाँ पे पब्लिश हो जाती हैं, कितने भी एपिसोड होते हैं जैसे आप देख सकते हैं, जितने भी हैं। जैसे देखिए गेम शेकर्स का season 3 का एपिसोड 15 आ गया है, पहले 16 भी आ चुका है, ठीक है। जितने भी नए नए होंगे सारे आ जाएंगे, ठीक है, हर रोज़ यह अपडेट होता है, ठीक है। आप इसमें टुडे के साथ साथ अपकमिंग शोज़ भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका गॉट टैलेंट आपने सुना होगा नाम, ठीक है, अमेरिकन गॉट टैलेंट, ये रहा अमेरिकाज गॉट टैलेंट का सीजन 14 का एपिसोड 1 जो अभी तक टेलीकास्ट नहीं हुआ है, वो भी जैसे ही आएगा वैसे ही आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देखिए इतना फास्ट है इसका सर्वर। तो देखिए लाइव टीवी आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइव टीवी देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी प्लस के ऑप्शन से, ठीक है, फिर आप वो प्लेलिस्ट लिंक, कोई भी आपको अगर लिंक मिलती है तो आप उससे डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन बातें कर रहा हूँ मैं, कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, जो मुझे लग रहा है। और मैं गाइस बता दूँ, ये कोई भी ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड नहीं है टीटीवी की तरफ से, ये मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप कैटेगरीज सिलेक्ट कर सकते हैं आपको किस तरह की मूवी देखनी है, ठीक है, साइंस फिक्शन देखनी है, कुछ भी देखनी है, आई गेस अगर आपको हॉरर देखनी है सपोज़, तो अगर हॉरर में जाएंगे तो आपको मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी हज़ारों की संख्या, मतलब जितनी भी अगर होंगी हर तरह की आपको मूवीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, टीवी शोज़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत बेस्ट ऐप है गाइज, इससे अच्छा ऐप आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप, मैंने अक्सर देखा जब हम गूगल में चेक करते हैं तो अक्सर सोप वॉक्स का नाम ज़रूर आता है, बट वो ऐप इतना अच्छा नहीं है गाइज, मैंने उसे भी चेक कर रखा है, उसमें लिंक में बहुत प्रॉब्लम आती है ढूंढने में, और उसका इंटरफेस भी इतना अच्छा नहीं है इसका। देखिए बिल्कुल लैग नहीं करता है इंटरफेस, बहुत अच्छा इंटरफेस है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, वॉच लिस्ट आ जाती है, मतलब जो भी आपने वॉच करा उसे आप सेव करके रख सकते हैं, रिसेंट आपने क्या क्या देखा वो हर चीज़ आ जाएगी, ठीक है, जितना भी आपने रिसेंटली देखा, ओके गाइज। उसके बाद अगले ऑप्शन में डाउनलोड मैनेजर में जितना भी आपने डाउनलोड किया होगा वो से आ जाएंगी चीज़ें। सेटिंग्स में अगर हम जाएँ तो आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप लॉग इन कर सकते हो इनके terrariumTV पर, जिससे आपको आई गेस लाइव टीवी प्ले करने में ज़रूरत होती है उसकी, ठीक है। और आ गया हमारा लैंग्वेज, अब लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अपने, ठीक है। अगर आपको सिर्फ HD लिंक चाहिए तो आप HD लिंक सिर्फ ले सकते हो। अगर आपको अनएयर्ड सीज़न चाहिए और उसे हाइड करना है, जैसे अभी तक जो सीज़न आए नहीं है या एपिसोड नहीं आया है उसे अगर आपको हाइड करना है, जैसे अपकमिंग का फिर ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, तो आपके पास वो ऑप्शन है। मैंने इसे किसी पे नहीं कर रखा है क्योंकि आपको सिर्फ HD लिंक्स नहीं चाहिए होती हैं। और मैं अब गाइज आपको बता दूँ, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि आप HD लिंक वाले को ऑफ करके ही रखें, क्योंकि फिर टाइम लगेगा इसे ढूंढने में, ठीक है। ये सिर्फ HD लिंक्स ही आपको प्रोवाइड कर सकेगा, बट ज़रूरी नहीं कि आपका इंटरनेट इतना फास्ट हो, ठीक है। मेरा तो वाईफाई है तो काम चल जाता है, बट आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आप HD लिंक पे इसे बंद ही रखें, ठीक है। और उसके बाद आप डाउनलोड पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो आपको करना हो, ठीक है। और उसके बाद अपनी अपनी हिस्ट्री क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो प्ले, मतलब आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आपको जो कस्टमाइज़ करना है, आप जिस तरह से कस्टमाइज़ करना है आप उस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो इसे, ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखिए जब आप खोलते हैं तो जैसे मेरे में डिस्कवर खुला था, वो इस सेटिंग्स में वजह से खुला था। अगर मैं यहाँ पे मूवी टीवी शोज़ कर देता हूँ और मैं बंद करके फिर यहाँ पे इसे, तो ये जब अगर मैंने टीवी शो सिलेक्ट किया था तो अभी टीवी देखिए मेरे पास वर्जन एकदम न्यू वर्जन है, ठीक है, उससे किया है। देखिए अब टीवी शोज़ आ गए मेरे पास, ठीक है, तो मैंने टीवी शोज़ का उसमें डिफ़ॉल्ट में सेट किया था। अगर मैं डिफ़ॉल्ट में अगर उसे टीवी की जगह मैं डिस्कवर कर देता हूँ तो वो वही वैसे ही हो जाएगा, ओके गाइज। तो अभी तो मैंने इसकी आपको ये बात बता दी, चलिए अब देखते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने कोई भी ब्राउज़र में जाना है, मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जाकर आपको गूगल पे जाना है और सिंपली आप TTV ऑफिशियल साइट लिख देंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। आप TTV ऑफिशियल साइट ही लिखिएगा क्योंकि इसमें आपको और भी डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो अप टू डाउन और पता नहीं क्या क्या कुछ भी ये फेक लिंक्स प्रोवाइड करते हैं और आपको यहाँ पे अपडेटेड वर्जन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसके ऑफिशियल लिंक पर जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, वो जो कि पूरी तरह सिक्योर भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले ऑप्शन आपके पास आ जाएगा TTV एंड्रॉयड, ठीक है। आप इसे मैक ओएस और विंडोज़ के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसे एंड्रॉयड पे सिंपली दबाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपके पास लिंक आ जाएगी। देखिए मैंने अभी आपको 9.4 वर्जन दिखाया था ना, 9.4 वर्जन भी आ गया है और TTV ऐप का आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया है तो मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा नहीं आपको, और आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे ईजी होगा आपके लिए बहुत। और दैट्स इट
फॉर टुडेज वीडियो गाइज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं इसे जरूर रिकमेंड करूंगा गाइज, बेस्ट ऐप है ये, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार, इतना कह रहा हूँ, अब तो जाके डाउनलोड कर लो, आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,